आदाब नाजरीन, ये है एक बहुत ही मशहूर शायर जिसका के संस्कृत नाम जातिफल या जातिफलम है। इसका अरबी नाम जोजबुआ या जोजबुआ है। इसका फारसी नाम जोजबोया है और इसका आम नाम जो है वो जायफल है। और इसका जो लातिनी नाम होता है वो है मायरेस्टिका फ्रेग्रेंस। इसका मिजाज दुअम दर्जे में गर्म और सुअम दर्जे में खुश्क होता है और इसके अंदर एक गिलाफ होता है जिसे बसबासा या फिर जावित्री कहते हैं। उसका मिजाज दुअम दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। तो यह है इसके फल जो है, इसका दरख्त होता है बहुत बड़ा और उस पर फल लगते हैं। हालांकि इसमें मुजक्कर और मुअन्नस जो दरख्त होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं। और अब हम इसके फल का मुआयना करेंगे। ये देखिए इसका फल, इसके अंदर का फल के अंदर जो एक गिलाफ होता है जिसे बसबासा या जावित्री कहते हैं और उसके अंदर बीज होते हैं और उन बीजों के अंदर से एक मगज़ निकलता है जो जायफल के नाम से मशहूर है। दवान भी इस्तेमाल किया जाता है और जुनूबी हिंद में इसका अचार भी फरोख्त किया जाता है। ये देखिए इसका अचार हुकूमत की तरफ से भी, जो हॉर्टिकल्चर होता है उनकी तरफ से भी फरोख्त किया जाता है और इसके ऊपर का जो गिलाफ होता है उसी का अचार ये डाला जाता है। और जो बीज का हिस्सा होता है जिसे बसबासा कहते हैं और जो अंदर का बीज होता है उसे हम दवान इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए इसका अचार थोड़ा सा खट्टे किस्म का होता है और ये देखिए इसके अंदर ये जो अचार है इसके अंदर आपको इस जायफल के जो फल होता है उसके थोड़े से टुकड़े भी नजर आ रहे होंगे। और मुश्तही माना जाता है ये अचार और बाज़ औक़ात काबिज भी ये काम करता है, यानी इसके अफ़ाल व ख़ास भी जायफल की तरह ही होते हैं। और अब आप इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। इसके पत्ते कुछ इस किस्म के हरे चमकीले रंग के होते हैं, नोकीले होते हैं इसके पत्ते। और ये देखिए इनके पत्तों से भी इसकी शनाख्त की जाती है, लेकिन इसके पत्ते ये देखिए इस किस्म से होते हैं। और मैं आपको इसका पूरी तरीके से मुशाहिदा करवा देता हूँ। ये देखिए इसके पत्ते पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इसके नुस्खाजात मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। और ये देखिए इस किस्म के चमकीले गहरे हरे रंग के इसके पत्ते होते हैं और इन पत्तों का दवा इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता। लेकिन ये देखिए इसके पत्ते और लीफेनेशन, ये इसके फूल हैं जो कि मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग होते हैं, यानी डायोशियस होता है ये दरख्त। बाज़ औक़ात मोनोशियस भी इसे माना जाता है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर मुजक्कर और मुअन्नस फूल आपको नजर आ रहे होंगे। और ये है जायफल के फूल। जायफल कहना हालांकि इसे मुनासिब नहीं है क्योंकि ये फल नहीं होता, ये बीज होता है दर हकीकत। तो ये देखिए इसके फूल यानी जायफल के फूल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इनके अंदर से एक मखसूस किस्म की बू भी आती है जो कि रगड़ने पर आती है और उसकी कलियां भी आपको नजर आ रही होंगी। और ये देखिए इस पर बहुत सारे तुफैली जानवर भी होते हैं, जैसा कि मकड़ी के जाले आपको नजर आ रहे होंगे। और ये काफी बड़ा दरख्त होता है, इसकी अच्छे से आप बारीकी से शनाख्त कर लीजिए। तो ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से बारिश के मौसम में इसे लगते हैं और तभी इसे फल भी आते हैं। तो ये देखिए यह है जायफल के फूल, बहुत बारीक और पीले रंग के आपको कुछ नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये है जायफल। इसकी खास बात यह होती है कि ये बहुत ज्यादा मसालों में इस्तेमाल किया जाता है ये। और ये देखिए इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है, भूरे रंग का, या फिर बारिश के मौसम में इस पर जो फंगस लगती है उसकी वजह से इसका रंग थोड़ा तब्दील होता है। और ये देखिए इस किस्म से इसका जो तना होता है जायफल के दरख्त का, वो इस किस्म से नजर आता है। और इसकी जो औसत है, इसकी जो लंबाई है, उसका भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तकरीबन काफी ऊंचा ये दरख्त है और ये इसका एक मशहूर नुस्खा है जो कि मुसक्की ने खास के तौर पर कुछ तरमीम के साथ मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए इस साथ ही साथ इस दरख्त की जो एक लंबाई है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुशाहिदा करते चलिए और इसके नुस्खाजात भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि ये काबिज होता है लिहाजा इस हाल पर इसका इस्तेमाल है, खासतौर से इसे जंजबील के साथ घिस कर इसका इस्तेमाल इसहाल को रोकने के लिए किया जाता है, या इसके फल को यानी इसके जो बीज होता है उसको घिसकर नाक पर लगाने से भी इसहाल रुक जाते हैं। मुमसिक के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काबिज होता है। तो ये देखिए ये था जायफल।